हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू क्लास। तो लास्ट क्लास में हमने रिन्यूएबल और सोलार रेडिएशन के बारे में देखा था। आज हम ज्योमेट्रिक इफेक्ट ऑफ सोलार रेडिएशन, टिल्टिंग ऑफ अर्थ एंड सोलार थर्मल एनर्जी कलेक्टर के बारे में देखेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। ज्योमेट्रिक इफेक्ट ऑन सोलार रेडिएशन, इसमें आता है हमारा रेडियल लाइन, लेटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। रेडियल लाइन क्या होता है? लाइन ज्वाइनिंग द लोकेशन विद द सेंटर ऑफ द अर्थ। ये हमारा सेंटर ऑफ द अर्थ हो गया सी, और इससे जो लाइन ज्वाइन हो रही है पी से, ये हमारा रेडियल लाइन हो गया। लेटिट्यूड, द लेटिट्यूड ऑफ अ लोकेशन पी इज द एंगल मेड बाय द रेडियल लाइन ज्वाइनिंग द लोकेशन टू द सेंटर ऑफ द अर्थ एंड विद द प्रोजेक्शन ऑफ द लाइन ऑन द इक्वेटोरियल प्लेन। तो लेटिट्यूड हमारा क्या होता है? जो पी से सी में लाइन ज्वाइन हुआ रेडियल लाइन, और सी से प्रोजेक्ट हुआ लाइन इक्वेटोरियल प्लेन में, ये हमारा हो गया लेटिट्यूड एंगल। लॉन्गिट्यूड, इट इज एन एंगल मेजर्ड फ्रॉम द ग्रीनविच, जो कि यूके में है, टू द प्रोजेक्शन ऑफ द रेडियल लाइन, द लाइन ज्वाइनिंग द इक्वेटर एंड द सेंटर ऑफ द अर्थ ऑन द इक्वेटोरियल प्लेन। तो लॉन्गिट्यूड क्या होता है? हम जब किसी एंगल को मेजर करते हैं, जो कि एक रेडियल लाइन होता है और हमारे इक्वेटोरियल प्लेन में प्रोजेक्ट होता है, तो ये हमारा लॉन्गिट्यूड हो गया साई, और हमारा लेटिट्यूड हो गया फाई। तो लॉन्गिट्यूड और लेटिट्यूड होता क्या है? लॉन्गिट्यूड और लेटिट्यूड एंगल होता है। किसी भी लोकेशन के लिए अर्थ में लॉन्गिट्यूड और लेटिट्यूड चाहिए होता है। ग्रीनविच, ग्रीनविच को हम 0 डिग्री मानते हैं, एज अ रिफरेंस पॉइंट मानते हैं। इन इंडिया केस ऑफ लॉन्गिट्यूड एंगल इज 82.5। अब यहाँ पे हम देखते हैं, ये हमारा ग्रीनविच हो गया यूके, जो कि रिफरेंस पॉइंट है। इधर से जाएंगे तो ये ईस्टर्न हो गया, इधर से जाएंगे तो ये वेस्टर्न हो गया। हमारा इंडिया 82.5 डिग्री में आता है ईस्ट की ओर। ये हमारा गुजरात हो गया, ये हमारा एपी हो गया। हम मिर्जापुर का अगर लॉन्गिट्यूड निकालते हैं तो 82.5 डिग्री हमारा लॉन्गिट्यूड एंगल हो गया। ग्रीनविच हमारा ग्लोबल सेंटर, और हम इसे जीएमटी के बारे में भी देख सकते हैं। जैसे कि आप मोबाइल में अपना टाइम देखते हैं तो उसमें जीएमटी लिखा होता है, या तो जीएमटी प्लस 5.5 आवर लिखा होता है। ये हमारा इंडिया का टाइम बताता है। टाइम कन्वर्जन, टाइम कन्वर्जन ये ईएसआई में पूछा जा सकता है। जैसे 360 डिग्री 24 आवर के लिए होता है, 15 डिग्री वैसे ही 1 आवर के लिए होता है, और 15 डिग्री 60 मिनट भी बोल सकते हैं। तो 1 डिग्री इक्वल टू 4 मिनट। तो हम इससे ग्रीनविच यूके से किसी भी जगह का टाइम निकाल सकते हैं। आर एंगल, इट इज एन एंगल बिटवीन द बीम रेडिएशन एंड द जेनिथ लाइन इन 2D प्लेन। ये हमारा 2D प्लेन हो गया, ये हमारा जेनिथ लाइन हो गया। जब डब्ल्यू राइट साइड की ओर जाता है फॉर 4 नून, तो हमारा डब्ल्यू माइनस में होता है, और जब हम लेफ्ट साइड की ओर जाते हैं आफ्टरनून, तो हमारा डब्ल्यू प्लस में होता है। और सोलार नून जब होता है, जो कि सेंटर पे है, तो हमारा डब्ल्यू जीरो होता है, जिसमें एसटी की वैल्यू 1200 आवर्स होती है। तो हम डब्ल्यू कैसे निकाल सकते हैं? डब्ल्यू इक्वल टू 15 क्रॉस ST माइनस 1200। 1200 हमारा कॉन्स्टेंट है, ये वेरी नहीं करेगा। ये हम आवर्स में लिखते हैं। साइन कन्वेंशन, W 0 होता है सोलार नून में, आफ्टर नून की तरफ जब जाते हैं तो प्लस, 4 नून की तरफ जाते हैं तो माइनस। इसे याद कर लीजिएगा। एग्जाम्पल, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि WT की वैल्यू दी हुई है हमें 1520 आवर्स, दिल्ली में हमारा लॉन्गिट्यूड की वैल्यू है 77.5 ईस्टर्न। तो ST की वैल्यू कैसे निकालेंगे? WT माइनस 4 LST माइनस लॉन्गिट्यूड। W इक्वल टू 15 क्रॉस 1500 माइनस 1200, जो कि 40 डिग्री आ जाएगा। तो हमारा +45 है, तो हम आफ्टरनून की तरफ लिखेंगे। हमारा W इक्वल टू +45 एट WT इक्वल टू 1520 आवर्स। डिक्लिनेशन एंगल, डिक्लिनेशन एंगल इज द एंगल बिटवीन द लाइन ज्वाइनिंग द बीम रेडिएशन बिटवीन द सन एंड अर्थ सेंटर विद द प्रोजेक्शन ऑफ दिस लाइन ऑन इक्वेटोरियल प्लेन। डिक्लिनेशन एंगल हमारा क्या होता है?
ये एंगल होता है बिटवीन द लाइन ज्वाइनिंग द बीम रेडिएशन एट द सेंटर ऑफ द अर्थ एंड द प्रोजेक्शन ऑफ द लाइन टू द इक्वेटोरियल प्लेन। ये हमारा डेल प्लस में हो गया, मतलब डिक्लिनेशन एंगल। ये हमारा माइनस में हो गया। ये हमारा एल मीन होता है, ये हमारा एल मिनिमम और ये हमारा एल मैक्सिमम। ठीक है, जब 21 जून में होता है तो डेल इक्वल टू प्लस 23.45 डिग्री होता है, मतलब कि आफ्टरनून। और जब हमारा एल मीन होता है तो डेल की वैल्यू होती है माइनस 23.45 डिग्री, जो कि 21 दिसंबर को होती है। ये हमारा इक्वेटोरियल प्लेन है। और जब एल मीन होता है तो डेल की वैल्यू जीरो जाती है, जो कि 21 मार्च और 21 सितंबर को आता है। नोट, डिक्लिनेशन एंगल इज अ फंक्शन ऑफ डे नंबर एंड इट इज बिकॉज ऑफ द टिल्टिंग ऑफ द अर्थ गिवन बाय द कूपर्स रिलेशनशिप, वेयर एज एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल सोलार रेडिएशन इज ऑल्सो द फंक्शन ऑफ द डे नंबर बट इट इज ड्यू टू द इलिप्टिकल ऑर्बिट। टिल्टिंग ऑफ द अर्थ, ड्यू टू द टिल्टिंग ऑफ द अर्थ देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ सीजन एंड एज द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन द इलिप्टिकल ऑर्बिट, hence the distance between the earth and the sun varies, which varies the solar radiation flux magnitude and its distance। तो हमारा ये हमारा सन हो गया और अर्थ के टिल्ट होने के कारण हमारे सीजन चेंज होते हैं। जब 22 दिसंबर होता है या 21 दिसंबर होता है तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंटर हो गया और साउदर्न हेमिस्फीयर में समर हो गया। वैसे ही जब हम 21 मार्च की ओर जाते हैं तो साउदर्न हेमिस्फीयर में ऑटम होता है और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में स्प्रिंग होता है। फिर जब हम 21 जून की तरफ जाते हैं तो हमारे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर हो गया और साउदर्न हेमिस्फीयर में विंटर हो गया। फिर जब हम 21 सितंबर की ओर जाते हैं तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ऑटम हो गया और साउदर्न हेमिस्फीयर में स्प्रिंग हो गया। तो इस तरीके से हमारा टिल्टिंग ऑफ द अर्थ काम करता है। ये हमारा एल मीन हो गया जब वो 21 दिसंबर में है, जब ये हमारा एल मैक्स हो गया जब वो 21 जून में है, और ये एल मीन और एल मीन ये दोनों सेम होते हैं 21 सितंबर एंड 21 मार्च। ठीक है, वेरिएशन होते रहता है प्लस माइनस 3.3% का। आगे देखते हैं सोलार थर्मल एनर्जी कलेक्टर। सोलार थर्मल एनर्जी कलेक्टर इज अ डिवाइस विच इज यूज टू कलेक्ट सोलार एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन, फोटोनिक एनर्जी एंड ट्रांसफर इट टू द फ्लोइंग फ्लूइड एंड इट इज बेसिकली अ स्पेशल काइंड ऑफ हीट एक्सचेंजर। कंपोनेंट्स क्या क्या लगे होते हैं इसमें, एब्जॉर्बर प्लेट, ट्रांसपेरेंट कवर एंड राइजर ट्यूब। तो देखते हैं इनके बारे में। एब्जॉर्बर प्लेट, द ऑब्जेक्टिव ऑफ द एब्जॉर्बर प्लेट इज टू एब्जॉर्ब मैक्सिमम सोलार रेडिएशन एंड ट्रांसफर इट टू द नेक्स्ट स्टेज राइजर ट्यूब बाय द यूज ऑफ सेलेक्टिव कोटिंग। तो एब्जॉर्बर प्लेट करता क्या है, हमारा जो भी सन से रेडिएशन आ जाता है उसको एब्जॉर्ब करता है मैक्सिमम सोलार रेडिएशन को और ट्रांसफर करता है राइजर की तरफ बाय द यूज ऑफ सेलेक्टिव कोटिंग। अब सेलेक्टिव कोटिंग क्या होता है, सेलेक्टिव कोटिंग इज अप्लाइड इन द एब्जॉर्बर प्लेट फॉर हाई एब्जॉर्बिविटी इन द शॉर्ट वेव रीजन एंड लो इमिसिविटी इन द लॉन्ग वेव रीजन। तो हमारा एब्जॉर्बर प्लेट में जो सेलेक्टिव कोटिंग होता है वो करता क्या है, जो भी शॉर्ट वेव आएगा उसे वो हाई एब्जॉर्ब करेगा और जो लॉन्ग वेव आएगा उसमें लो इमिसिविटी यूज करेगा। तो सेलेक्टिव कोटिंग में अल्फा की वैल्यू होती है 1 जो कि शॉर्ट वेव के लिए है और इमिसिव की वैल्यू होती है 0 जो कि लॉन्ग वेव के लिए है। तो हमारे सन से जो रेडिएशन आया एब्जॉर्बर प्लेट में वो सेलेक्टिव कोटिंग में एब्जॉर्ब हुआ जिसकी हाई एब्जॉर्बिविटी, उसके बाद वो राइजर ट्यूब में गया थ्रू एब्जॉर्बर प्लेट। ये ऐसा मटेरियल होता है एब्जॉर्बर प्लेट में जो कि ट्रांसफर कर सकता है हीट को एक तरफ से दूसरी तरफ। तो ये हमारा हीट यहाँ से नीचे आया फिर हमारे राइजर ट्यूब में गया। यहाँ हमारा बाइंडर लगा होता है जो कि राइजर ट्यूब को इसमें जोड़ के रखता है। अब राइजर ट्यूब में पानी फ्लो करता रहता है, जो पानी फ्लो होता है वो इस हीट के कारण गर्म हो जाता है और ये एज अ हीट एक्सचेंजर काम करता है। ये हमारा राइजर ट्यूब हो गया, ये हमारा बाइंडर हो गया, ये हमारा सेलेक्टिव कोटिंग हो गया और ये हमारा पूरा एब्जॉर्बर प्लेट हो गया। इसमें आर टी एच की वैल्यू होती है टी अपॉन के इंटू ए सी, जहाँ
आरटीएच अगर कम होता है तो टी की वैल्यू कम होगी, के की वैल्यू बढ़ जाएगी। के हमारा कंडक्टिविटी होता है जो कि सी यू या ए एल का होता है, और टी हमारा थिन प्लेट होता है। आगे देखते हैं, ये हमारा हो गया सन का रेडिएशन। जब आई ऑफ टी में शॉर्ट वेव में जब हमारे एब्जॉर्बर प्लेट में आता है तो अल्फा इंटू आई टी से वो यहाँ पे एब्जॉर्ब होता है। उसके बाद कुछ लॉन्ग वेव रिफ्लेक्ट होते हैं जो कि 1 माइनस अल्फा इंटू आई ऑफ टी से रिफ्लेक्ट हो जाते हैं, और कुछ जो यहाँ पे कोर में जाते हैं एब्जॉर्ब होने के बाद फिर री रेडिएट होके एज अ लॉन्ग वेव वो फिर रिफ्लेक्ट होते हैं। ये हमारा सेलेक्टिव कोटिंग है जिसमें अल्फा की वैल्यू 1 है, इमिसिव की वैल्यू 0 है। तो यहाँ पे कुछ फॉर्मूले हैं, हम उन्हें याद करना होगा क्योंकि एग्जाम में इसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आई एब्जॉर्बिबिलिटी इक्वल टू अल्फा इंटू आई ऑफ टी, आई रेफरेंस इक्वल टू 1 माइनस अल्फा इंटू आई ऑफ टी, ई इक्वल टू इमिसिव इंटू सिग्मा इंटू टी की पावर 4, आई इक्वल टू आई आर प्लस ई, आई आर की वैल्यू हम यहाँ से पुट कर देंगे 1 माइनस अल्फा इंटू आई ऑफ टी प्लस इमिसिव इंटू सिग्मा इंटू टी ए की पावर 4। क्यू नेट की वैल्यू क्या होती है, आई टी माइनस आई, ये हमारा आई हो गया और आई टी को हम इससे जब माइनस कर देंगे तो हमारा क्यू नेट निकल जाएगा। और एफिशिएंसी ऑफ एब्जॉर्बिबिलिटी इक्वल टू क्यू नेट अपॉन आई ऑफ टी और इक्वल टू 1 माइनस आई अपॉन आई ऑफ टी। तो ये सारे फॉर्मूले हमको याद करने होंगे ताकि हम क्वेश्चन इजिली सॉल्व कर लें। अब एक क्वेश्चन देखते हैं, एन इंसिडेंट रेडिएशन कमिंग फ्रॉम अ ब्लैक बॉडी ऑफ रेडिएटिंग टेम्परेचर 5880 केल्विन स्ट्राइकिंग द ऑब्जेक्ट हैविंग अ सेलेक्टिव कोटिंग ऑफ अल्फा 0.9 एंड इमिसिव इक्वल टू 0.05। डिटरमाइन द नेट हीट ट्रांसफर फ्रॉम द ऑब्जेक्ट टू द नेक्स्ट स्टेज इफ इट इज हैविंग अ स्टेडी स्टेट टेम्परेचर ऑफ 450 केल्विन। एज्यूमिंग द टोटल 0.1% इज द हीट इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन स्ट्राइकिंग द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द सोर्स एंड ऑल्सो डिटरमाइन द रेडियोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड सिस्टम एफिशियंसी। तो हमें क्या क्या दिया गया है, हमें अल्फा की वैल्यू दी गई है 0.9, इमिसिव की वैल्यू दी गई है 0.05, टेम्परेचर दिया गया है 450 केल्विन और हमारा रेडिएटिंग टेम्परेचर दिया गया है 5880 केल्विन। तो हमारा ई ऑफ सोर्स हम निकालेंगे सिग्मा इंटू टी की पावर 4, आई ऑफ टी निकालेंगे जो हमारा 0.1/100 इंटू ई ऑफ सोर्स होता है, जब इसे सॉल्व करेंगे तो 67.725 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर आ जाएगा। फिर हम ई की वैल्यू निकालेंगे, ई इक्वल टू इमिसिव इंटू सिग्मा इंटू टी की पावर 4 इक्वल टू जब इन्हें सॉल्व करेंगे तो 0.116 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर आएगा। फिर हम आई ऑफ रेफरेंस इक्वल टू 1 माइनस अल्फा आई ऑफ टी रखेंगे तो हमारा 6.772 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर आएगा। अब हम आई की वैल्यू जब निकालेंगे तो आई ऑफ रेफरेंस प्लस ई करेंगे, आई ऑफ रेफरेंस की वैल्यू हम यहाँ से रखेंगे, ई की वैल्यू हम यहाँ से रखेंगे तो हमारा वैल्यू आया 6.888 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर। फिर हमें एफिशिएंसी निकालना है, एफिशिएंसी ऑफ एब्जॉर्बिबिलिटी क्या होता है, 1 माइनस आई अपॉन आई ऑफ टी, तो हम 1 माइनस आई की वैल्यू रख देंगे, आई ऑफ टी की वैल्यू रख देंगे, हमारा परसेंटेज आ जाएगा 89.82% जो कि हमारी एब्जॉर्बिबिलिटी एफिशिएंसी है। तो ये बहुत ही इजी है, बस आपको फॉर्मूले याद करने हैं, क्वेश्चन बहुत इजी आते हैं, आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब देखते हैं ट्रांसपेरेंट कवर जो कि इम्पोर्टेंट है, ये क्या होता है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ट्रांसपेरेंट कवर इज टू रिड्यूस द री रेडिएशन लॉस बाय यूजिंग ग्लेज ग्लास हैविंग हाई ट्रांसमिसिविटी इन शॉर्ट वेव रीजन जो कि ई रेडिएशन बोलते हैं, एंड हाई रिफ्लेक्टिविटी फॉर लॉन्ग वेव रीजन जो कि रेडियोसिटी होती है। इट ऑल्सो रिड्यूसेज द कन्वेक्टिव लॉस बाई क्रिएटिंग स्टैगनेंट एयर कंडीशन बिटवीन द ट्रांसपेरेंट कवर एंड सेलेक्टिव कोटिंग। तुम्हारा ट्रांसपेरेंट कवर क्या होता है, कोई भी जो रेडिएशन आ रही है, जो लॉस होती है उसकी हाई ट्रांसमिसिविटी होती है हमारे ग्लास की, तो वो उसे एब्जॉर्ब कर लेता है। ये हमारा काम करता है ट्रांसपेरेंट कवर का। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये हमारा रेडिएशन आया, ये हमारे एब्जॉर्बर प्लेट में गया, और जब ये वापस री रेडिएट होता है तो हमारे ट्रांसपेरेंट ग्लास हमारा वापस इसे
रिफ्लेक्ट करके हमारे एब्जॉर्बर प्लेट में भेज देता है, तो इससे हमारी एब्जॉर्बिविटी बढ़ जाती है। राइजर ट्यूब, द ऑब्जेक्टिव इज टू एब्जॉर्ब मैक्सिमम हीट फ्रॉम द एब्जॉर्बर प्लेट एंड ट्रांसफर इट टू द फ्लोइंग फ्लूइड थ्रू नेचुरल कन्वेक्शन फॉर डोमेस्टिक पर्पस एंड पोस्ट कन्वेक्शन फॉर कमर्शियल पर्पस। तो हमारा राइजर ट्यूब कैसे काम करता है? जब हमारा बाइंडर से हीट हमारे राइजर ट्यूब में आता है थ्रू कंडक्शन, वो कन्वेक्शन के थ्रू हमारा राइजर ट्यूब के अंदर आता है या हमारी वाटर फ्लो करती रहती है। ये इसका इनलेट है, ये इसका आउटलेट है, हम इसे देख सकते हैं। तो उसमें होता क्या है, ये हमारा हीट आया, ये हमारा पानी फ्लो कर रहा है, हीट पानी एब्जॉर्ब कर लेता है और वो गर्म हो जाता है। ये होता है हमारा राइजर ट्यूब का काम। इसकी फॉर्मूला होती है, ये कभी कभी क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, RTH इक्वल टू लॉग ऑफ R2 अपॉन R1 अपॉन 2πkL। अगर R2 अपॉन R1 की वैल्यू 1 है तो R2 माइनस R1 1 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे लॉग लगा हुआ है। तो ये हमारा थीन ट्यूब के लिए पॉइंट होता है कि R2 अपॉन R1 अपना 1 हो जाता है। फ्लैट प्लेट कलेक्टर, तो ये हमारा डायग्राम है जहाँ हम देखेंगे कि फ्लैट प्लेट कलेक्टर कैसे काम करता है। हमारा यहाँ पे एब्जॉर्बर प्लेट लगा हुआ है, ये राइजर लगे हुए हैं, ये बाइंडर लगे हुए हैं, ये हमारा ट्रांसपेरेंट ग्लास लगा हुआ है, ये स्टेनलेस केसिंग से बना हुआ होता है, इसके अंदर वैक्यूम होता है और ये हमारा सिलेक्टिव कोटिंग है जो ब्लैक कलर से है। हमारा इंसुलेटर लगा होता है स्टेनलेस स्टील में जो कि ग्लास वूल या एबोस्टोस से बना हुआ होता है। तो हम देखते हैं कैसे काम करता है। सन से जब रेडिएशन आया आई ऑफ टी, तो हमारा एब्जॉर्बर प्लेट उसे एब्जॉर्ब किया और जो कुछ रिरेडिएट हुआ उसे ट्रांसपेरेंट ग्लास कवर से वो वापस हमारे एब्जॉर्बर प्लेट में भेज दिया। ट्रांसपेरेंट ग्लास कवर को हम एज अ इसमें ग्लेज ग्लास यूज करते हैं जो कि बहुत अच्छा काम करता है। अब हमारा सेलेक्टिव कोटिंग इसे हाई एब्जॉर्बिविटी बनाएगा एब्जॉर्बर प्लेट को, जिसमें अल्फा की वैल्यू 0.95 होती है और इमिसिव की पावर 0.06 होती है। तो हम अल्फा अप्रोक्स 1 ले लेते हैं और इमिसिव अप्रोक्स 0 ले लेते हैं। तो हमारा सन का रेडिएशन रेडिएट होकर यहाँ पे आया, एब्जॉर्बर प्लेट में एब्जॉर्ब हुआ थ्रू बाइंडर, ये हमारे राइजर ट्यूब में गया, राइजर ट्यूब में जो पानी फ्लो कर रहा था वो गर्म हो गया। हमारे कुछ क्यू लॉस भी होते हैं जो कि यहाँ से निकल जाते हैं साइड से और कुछ लॉस हमारे बॉटम से निकल जाते हैं। तो इस तरीके से हमारा फ्लैट प्लेट कलेक्टर काम करता है। तो दोस्तों आगे की पढ़ाई हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। मैंने जो आज क्वेश्चन कराया उन्हें आप कॉपी में लिख लीजिएगा और अपने नोट्स कंप्लीट कर लीजिएगा। आगे की क्लास में हम और क्वेश्चंस करेंगे, तब तक आप इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं अपने सैंपल पेपर या अपने कोई भी बुक है जिसमें क्वेश्चंस दिए गए हैं आप उन्हें सॉल्व कर लीजिए। आगे की क्लास में मैं आगे का चीज़ बताऊँगा। सो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब एंड keep sharing. Thank you.